बस भाई मैं खुद बहुत परेशान सा हो गया हूँ। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, समझ नहीं आ रही कि मेरा नुकसान कैसे हो सकता है। कैसा नुकसान? वो फरजाना बहन ने अभी को नहीं बताया क्या? नहीं। तो गालिबन कह रही थी कि सुबह को बताया था, वो दरअसल जो ट्रक आ रहा था कंसाइनमेंट थी, उसमें वो ट्रक उलट गया और मशीनरी सारी डैमेज हो गई। कब? सुबह को ही खबर मिली है। देखिए आपको फायदा हो या नुकसान, मुझे मेरे पैसे वापस कर। फराज भाई मेरा भी तो नुकसान हुआ है। क्या बाहर में जाओ तुम और तुम्हारा नुकसान? सुबह तक मुझे मेरे 5 लाख वापस मिल जाने चाहिए, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम याद रखोगे। देखिए आप मेरे भाई हैं, मैं अपना नुकसान सह लूं, मगर मैं आपका नुकसान जैसे तैसे करके मैं पूरा कर दूंगा। लेकिन आप इतना तो एहसास करें ना कि इस डील में और किसे लोग शामिल थे। मैं किसी को नहीं जानता। ठीक है, मैं सुबह मुल्तान जा रहा हूँ, वह हमारा एक प्लॉट है, जैसे ही बिकता मैं आपके पैसे आपको लौटा लूंगा। वापस कर दो तो बहुत अच्छा है। मुझ जैसा भी कोई बेवकूफ नहीं होगा जो तुम्हारी जैसी लालची औरत की बातों में आ गया। मुझे क्या पता था नुकसान हो जाएगा। मैं तुम्हें इस वक्त के लिए मना करता था, लेकिन तुम्हारे सर पर तो पैसों का भूत सवार। सलमान की मुझे बार बार फोन आ रहे हैं, कहां से सॉल्वेंट में जमा? फराज गाड़ी है ना, गाड़ी बेचते हैं। हर बात की प्लानिंग तैयार कर रखी हो, गाड़ी बेचते इतनी आसानी से गाड़ी नहीं बिकेगी। तो इन्होंने क्या कहा है जावेद भाई ने? मुझे तो ये बंदा फ्रॉड का लग रहा है। मुल्तान जाके प्लॉट बेचेगा, अगर प्लॉट होता तो हमारा पैसा क्यों इन्वेस्ट करता? फरजाना बाजी है ना, वो भरेंगे हमारे सारे। अरे वो बात की बात है, मैंने सलमान को कह दिया कि मैं कल इंस्टॉलमेंट हर हाल में करवा दूंगा। अब मुझे बताओ मैं कहां से इंस्टॉलमेंट जमा करूं? जवाब दो, चुप क्यों? आज आप बड़े अच्छे मूड में लग रहे हैं। हाँ बेटा, बहुत दिनों के बाद बाहर गया था काम करने। बाहर जाके बहुत अच्छा लगता है काम करते हुए, ज़हनी सुकून मिलता है। ज़हनी सुकून वाकई मसरूफियत से मिलता है। मेरी आरिफ भाई से भी बात हुई थी अमेरिका जाने के लिए, वो कह रहे थे वैसे तो मैं तुम्हें स्पॉन्सर कर दूंगा, मगर तुम साथ में स्टूडेंट वीजे के लिए भी अप्लाई कर देना। बेटा हम तो चाहते हैं कि तुम दोनों साथ ही जाओ। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बेटा तुम लोग अमेरिका जा रहे हो तो जो घर की कंस्ट्रक्शन शुरू की है उसका क्या होगा? मुझे बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्टर मिल गया, मेरे दोस्त का रिश्तेदार है, वो कह रहा था कि वो बहुत जल्द काम कंप्लीट कर देगा। ये तो बहुत अच्छा हो गया बेटा, कम से कम मुझे तो फिक्र नहीं रहेगी पीछे।